हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से है दोस्तों फूड एंड न्यूट्रिशन यानी कि भोज्य पदार्थ एंड पोषक तत्वों से रिलेटेड, जिसमें से विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, मिनरल्स, जितने भी चीजें हैं फूड से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं बता रही हूँ। एंड दोस्तों, यह पार्ट नंबर 4 है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। दोस्तों, 100 से ज्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन के भी हैं और डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो दोस्तों, बने रहिए बेहतरीन तैयारी के लिए। मेरे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है कि फैट सोल्यूब विटामिन कौन कौन से हैं। फैट सोल्यूब यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो यह है ए, डी, ई, के। इसको के, ई, डी, ए भी बोल सकते हैं, कीड़ा, याद करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, वाटर सोल्यूब विटामिन कौन कौन से हैं। तो वाटर सोल्यूब यानी कि जल में घुलनशील विटामिन है बी, सी, एच, ठीक है। जैसे कि दोस्तों, विटामिन को सुरक्षात्मक भोज्य कहा जाता है, इसको वृद्धि तत्व यानी ग्रोथ फैक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि विटामिन जो होता है ऊर्जा नहीं देते हैं, ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। जैसे कि जो विटामिन होता है सूक्ष्म मात्रा में मानव शरीर में उपस्थित होता है, यह ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, परंतु अन्य ऊर्जा प्रदान करने वाले जो पदार्थ है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, इन सब के निर्माण तथा उनके कार्यों के उपयोग पर, सही उपयोग पर नियंत्रण करता है। यानी कि जो उपापचय क्रियाओं यानी कि मेटाबोलिज्म प्रोसेस है उसके संचालन के लिए आवश्यक होता है, इसीलिए इसको विटामिन को वृद्धि तत्व यानी कि ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नाइट ब्लाइंडनेस या कजीरोथैल्मिया रोग किस विटामिन के कमी से होता है। जैसे दोस्तों, आपको पता है कि नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी और कजीरोथैल्मिया जो होता है वह विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए को ग्रोथ विटामिन भी बोला जाता है। इसका निर्माण जो है केराटिन पिगमेंट से होता है, और जो रतौंधी होता है नाइट ब्लाइंडनेस वह आंखों से धुंधला दिखता है, और रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस में जो रेटिना की रोड सेल की रिडॉप्सिन लेयर होती है वह खराब हो जाती है। रोड सेल क्या करता है, अंधेरे या उजाले में अंतर को बताता है। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटी रिकेटिक विटामिन किसे कहते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको कई बार बताया जा चुका है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि एंटी रिकेटिक विटामिन या नेचुरल विटामिन या किडनी हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है विटामिन डी को, ठीक है। किसको जाना जाता है, विटामिन डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट यानी कि वयस्कों में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, विटामिन डी टू को क्या कहते हैं। जैसा कि दोस्तों, विटामिन डी में विटामिन डी टू और डी थ्री को मेन माना जाता है, तो D2 को अर्गो कैल्सिफिराल एंड D3 को कोले कैल्सिफिराल बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, D2 को क्या कहते हैं, एर्गो कैल्सिफिराल। वहीं पे D3 पूछेगा दोस्तों तो कोले कैल्सिफिराल होगा, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन D2 कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों, विटामिन D2 जो होता है वह वनस्पति भोज्य पदार्थ से मिलता है, और वहीं भी पूछेगा कि विटामिन डी थ्री कहाँ से मिलता है, तो यह सूर्य की सीधी किरणों से प्राप्त होता है, ठीक है। डी टू वनस्पति भोज्य पदार्थ से मिलता है और डी थ्री सूर्य की सीधी किरणों से प्राप्त होता है। डी टू यानी अर्गो कैल्सिफिराल की कमी से टिटैनी यानी अस्थियों में ऐठन होता है, और डी थ्री यानी कोले कैल्सिफिराल की कमी से बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है, अस्थियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया यानी हड्डियां जो है कोमल हो जाती हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें अस्थियों में कैल्शियम और प्रोटीन की कमी हो जाती है। एंड दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज भी होता है डी थ्री की कमी से, ये सूर्य की सीधी किरणों से डी थ्री कोले कैल्सिफिराल बनता है जो इंसुलिन को क्रियाशील बनाता है तथा मधुमेह बीमारी से बचाता है।
नेक्स्ट दोस्तों नेचुरल विटामिन किसे कहा जाता है, तो नेचुरल विटामिन या एंटीरिकेटिक विटामिन या किडनी हार्मोन्स बोला जाता है विटामिन डी को। नेक्स्ट दोस्तों कि किस विटामिन को एंटी स्टरिलिटी विटामिन कहा जाता है, तो किस विटामिन के एंटी स्टरिलिटी यानी कि बाध्यपन रोधी किसे कहा जाता है, विटामिन ई को बोला जाता है। और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम टेकोफिराल है। इसकी कमी से पुरुषों और स्त्रियों में बाझपन हो जाता है, पैरालिसिस भी हो जाता है, ठीक है, एंड आरबीसी का कम उत्पादन भी होता है, न्यूरोलॉजी समस्या यानी कि मेंटल डिसऑर्डर भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विटामिन बी वन का दूसरा नाम क्या है, तो विटामिन बी वन का दूसरा नाम है थायमिन। जैसा कि दोस्तों विटामिन ए बी सी डी ई के इन सभी का वैज्ञानिक नाम क्या है, बी ग्रुप के जो बी वन से लेकर 12 तक है इन सभी के बारे में डिटेल में बताया गया है, उन सभी वीडियोज को आप जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जैसा कि आप सबको पता है या प्रजनन क्षमता खत्म होने लगती है इसकी कमी से। नेक्स्ट दोस्तों विटामिन बी वन की कमी से कौन सी रोग होता है, तो विटामिन बी वन जो होता है दोस्तों इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें भूख न लगना, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाना, ये सब लक्षण होते हैं। और दोस्तों इसमें लकवा यानी पैरालिसिस भी हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विटामिन बी वन किसके मेटाबॉलिज्म में कार्य करता है, तो विटामिन बी वन जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म यानी पाचन में काम करता है। नेक्स्ट है विटामिन बी वन की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है, तो विटामिन बी वन जो होता है वह अनाजों दालों अंडा लीवर आदि से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी बी टू का दूसरा नाम क्या है, तो विटामिन बी टू का दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। बी टू का दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन, जो सेलुलर ऑक्सीडेशन के लिए प्राथमिक रोल अदा करता है। इसके कमी से किलोसिस रोग हो जाता है यानी होंठ फटना, पाचन कमजोर, रोग निरोधक की कमी, जीभ में सूजन, आंखों में विकार हो जाता है। और ध्यान में रखने वाली बात है कि उबालने पर यह नष्ट हो जाता है, बी टू जो होता है वह उबालने पर नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विटामिन बी टू की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो इसकी कमी से किलोसिस यानी कि स्किन एलर्जी तथा होठ व नाकों का फटना हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों विटामिन थ्री बी थ्री का दूसरा नाम क्या है, तो विटामिन बी थ्री का दूसरा नाम है नियासिन, नाइसिन। क्या नाम है, नाइसिन या निकोटिन एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी फाइव का दूसरा नाम क्या है, बी फाइव का दूसरा नाम है पेंटाथेनिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी थ्री की कमी से कौन सी रोग होता है, दोस्तों इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है जिसे चर्मदाह बोला जाता है, इसको 3DS भी बोला जाता है। इसमें भूख की कमी, पाचन गड़बड़, चिड़चिड़ापन, तंत्रिका तंत्र में अधिक क्षीण होने से रोगी पागल भी हो जाता है। 3DS का तात्पर्य दोस्तों है 3D यानी कि डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंटिया, ठीक है। डायरिया जिसे दस्त कहते हैं, डर्मेटाइटिस जिसे जो चमड़ी की निचली परत में सूजन होता है, डिमेंटिया जो मानसिक विकृति रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बी सिक्स का दूसरा नाम क्या है, तो बी सिक्स का दूसरा नाम है पाइरोडॉक्सिन। क्या है, पाइरोडॉक्सिन। नेक्स्ट दोस्तों विटामिन बी सिक्स का कार्य क्या है, तो दोस्तों इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और एनीमिया किसे होता है, जब हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, तो यह क्या कार्य है, यह आरबीसी को बनाने में मदद करता है, ठीक है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन बी ट्वेल्व का दूसरा नाम क्या है, तो बी ट्वेल्व का दूसरा नाम है साइनोकोबाल्बिन, और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। एकमात्र विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु सहयोगी तत्व के रूप में कार्य करता है। यह रक्त निर्माण में सहायक होता है और डीएनए के संश्लेषण में भी सहयोग करता है। और विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से पर्निशियस एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो बी ट्वेल्व की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है। जैसा कि आप सबको पता है विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है विटामिन सी आपके लिए, क्योंकि यह उत्तकों में कोशिकाओं को परस्पर बाधे रखता है, यह घावों को भरता है, आरबीसी के निर्माण करता है, रोग निरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, इसकी कमी से भी स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। जैसा आप सबको पता है स्कर्वी हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन एच का दूसरा नाम क्या है। तो विटामिन एच का दूसरा नाम है बायोटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन एच की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन एच की कमी से होता है गंजापन। क्या होता है? गंजापन, क्योंकि विटामिन ए जो होता है वह इसमें बाल झड़ना, त्वचा का रंग उड़ना, पेशीय कमजोर, नेत्र श्लेष्मा में सूजन हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, क्वार्सी वर्कर बीमारी किसकी कमी से होता है। तो क्वार्सी वर्कर में क्या होता है, हमारा अंग सूखने लगता है, बेमेल हो जाता है, यह प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, क्वार्सी वर्कर किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे बच्चे के खाने में किसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए। दोस्तों छोटे बच्चों को क्या होता है, उसकी मांसपेशियां उत्तके सभी बिल्ड होती हैं, तो उस समय उसको प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबी दौड़ के धावक की डाइट में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। दोस्तों लंबी दौड़ के डाइट में उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की। तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा प्रोवाइड करता है। बट सबसे जल्दी एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, तो कार्बोहाइड्रेट। इसलिए एक लंबी दौड़ के धावक की डाइट में सबसे अधिक मात्रा होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी को अपनी डाइट कितने बार में लेनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों एक ही बार बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, तो एक खिलाड़ी को अपने डाइट को 6 डाइट लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, यानी कि ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक किसे कहते हैं। तो एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स, जैसा कि दोस्तों पोषक तत्वों को कार्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ऊर्जा प्रदान करने वाले, शरीर का निर्माण करने वाले और रक्षा करने वाले। ऊर्जा प्रदान करने वाले में है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स यानी वसा, और शरीर का निर्माण करने वाले प्रोटीन, एंड रक्षा करने वाले में है विटामिन एंड खनिज लवण। तो यहाँ एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट तथा फैट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, यानी कि शरीर का निर्माण करने वाला कौन है, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी किन खनिज लवणों के अवशोषण को बढ़ाता है। दोस्तों जैसे कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी से कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में मिलता है, तो यह किसके अवशोषण को बढ़ाता है, कैल्शियम और फास्फोरस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों में कौन सी 2 तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। तो दोस्तों आंखों में 2 तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, रोड सेल एंड कोन सेल। रोड सेल जो होता है वह अंधेरे व उजाले में फर्क करने की क्षमता को बताता है, एंड जो कोन सेल होता है वह वस्तुओं के रंग को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स से अंधेरे में रेडॉक्सिन को बनाने के लिए कौन से पोषक तत्व आंखों में जुड़ जाते हैं। तो रेडॉक्सिन को बनाने के लिए विटामिन ए जुड़ जाता है। दोस्तों जैसा कि जब विटामिन ए की कमी होती है, तो हमारे रोड सेल के ऊपर जो रेडॉक्सिन लेयर होता है वह खराब हो जाता है और हमें धुंधला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं। जैसा कि आप सबको पता है विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का क्या कार्य है। तो विटामिन डी दोस्तों हड्डियों को मजबूत करता है, यानी सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी एंड दूध से विटामिन डी प्राप्त होता है, जो जिसमें कैल्शियम फास्फोरस की प्रचुर मात्रा होती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ विटामिन किसे कहते हैं। तो ग्रोथ विटामिन कहते हैं विटामिन ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल व पीले फलों तथा पीली सब्जियों में विटामिन ए प्राप्त करने के लिए कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है। तो इसमें कैरोटीन नामक पदार्थ प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज कब और किसने की थी। तो दोस्तों विटामिन की खोज किया था 1881 में लूनीन ने, और
विटामिन का विटामिन नाम रखा था, नामकरण किया था फंक ने 1912 में, और विटामिन सिद्धांत दिया था हॉकिंस ने। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा पिगमेंट आंखों में विटामिन ए और प्रोटीन मौजूदगी में अंधेरे तथा उजाले के फर्क में मदद करता है? तो कौन करता है दोस्तों? रेडॉप्सिन, जो रोड सेल के ऊपर रेडॉप्सिन लेयर होता है, वह अंधेरे और उजाले के फर्क करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, NIN का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है, NIN का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका है मुख्यालय है हैदराबाद में। नेक्स्ट है, ISO का फुल फॉर्म क्या है? तो ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट है, ISO का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 1952 में। नेक्स्ट है, एक मार्क का फुल फॉर्म क्या है जो खाद्य पदार्थों से संबंधित होता है? तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एक मार्क किससे संबंधित होता है, तो यह खाद्य पदार्थों से संबंधित होता है, यानी पोषक तत्वों से। तो एक मार्क का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISI मार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो ISI का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मार्ग कब से शुरू हुआ? तो एक मार्ग जो है वह 1937 से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISI मार्ग की शुरुआत कब हुई? तो ISI मार्क की शुरुआत 1947 से हुआ। नेक्स्ट दोस्तों, ISI और एक मार्ग किसके नियंत्रण में आता है? तो यह दोनों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS के अंतर्गत नियंत्रण में आता है। नेक्स्ट दोस्तों, ISI चिन्ह सबसे पहले किस पर लगाया गया? तो ISI चिन्ह सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय झंडे पर लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NNMB का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है NNMB का नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में होगा, डाइट एंड पोषक तत्वों से, हेल्थ एजुकेशन से, जितने भी अभी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितना मैं बता दूंगी उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, एंड जो रोग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी जल्द से जल्द कंप्लीट होगा, और जो हमारा पोस्टर डिफॉर्मिटीज होता है, विकृतियाँ होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है हेल्थ एजुकेशन के अंतर्गत। तो इन सभी को मैं जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूंगी दोस्तों। अब बने रहिए बेहतरीन तैयारी के लिए।